और हम पूर्ण जोर समर्थन दे रहे हैं कि 13 पॉइंट पोस्टर पे जो यहाँ पर आंदोलन हो रहा है उसका भी समर्थन करते हैं, और हमारी टीम और हमारे शिक्षक जो है वहाँ आज धरने पे हैं, एक दिन के अवकाश पर हैं। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आप सभी को समर्थन मिल रहा है। रही बात 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध की बात है, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो जातिगत रवैये हैं और जो जातिगत रवैये आ चुके हैं वो आपको एडमिशन से समय से ही मालूम चल जाना चाहिए, क्योंकि हम जब एडमिशन लेने जाते हैं तो बिना जाति के हमारी एडमिशन नहीं होती है वहाँ पर। और एक यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है कि आपके पास ST ST OBC के वाइस चांसलर नहीं है, आपके पास ST ST OBC के स्कॉलर नहीं है, आपके पास स्टूडेंट नहीं है, आपकी एक मजबूरी बन जाती है कि आपको आरक्षणीयकरण जबरदस्ती उनको लेना पड़ता है शोधार्थी के रूप में। अब जब हम चंद लोग पढ़कर इस यूनिवर्सिटी से आ गए हैं, मैदानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनको डर बैठ गया है मन में कि भाई ये अब बन गए टीचर बन गए तो फिर ये तो पूरे सामाजिक न्याय को ले आएंगे, जो एक गैर बराबरी के समाज के साथ जो हमारी लड़ाई है। हम एक गैर बराबरी वाला समाज नहीं चाहते हैं, हम समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि समतामूलक समाज से रह करके हम एक दूसरे पे नफरत ना फैलाएं। जो भारत में जो नफरत की जो कार्यशैली चल पड़ी है एक दूसरे से नफरत करने की, अगर ये आरक्षण को थोड़ा सा रोकते हैं ये, तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के प्रति नफरत फैल जाएगी जो आगे चलकर बहुत ही नुकसान होगा। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि नफरत की राजनीति बंद करें। धन्यवाद।